में मैं सविता आप सभी का स्वागत करती हूँ। मॉर्निंग पंचायत की टीम पहुँची है विक्टोरिया। आज हम यहाँ पे जेयू हंगामे पे बात करेंगे जिसने कोलकाता को चर्चा में ला दिया। जानेंगे कि यहाँ के मॉर्निंग वॉकर्स इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है और कैसे ऐसी घटना दोबारा ना घटे शिक्षण संस्थानों में या फिर कहीं भी जिसको कोलकाता को शर्मसार कर दिया। इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पर उसको मीटिंग करने का कोई तत्व ही नहीं था। बहुत जगह कलकत्ता में मीटिंग कर लेते, वहाँ बुला लेते, ये कैंपस में जाकर मीटिंग कर रहे हैं, बिड़ावा है। चीज़ तो मेरे फेवर मेरे हिसाब से नहीं है, बाकी पब्लिक जाने जो होना नहीं चाहिए, कैंपस का मेरे काम होना नहीं चाहिए। चीज़ गलत हुआ, गलती बोली। यहाँ पर शिक्षा के लिए आए हैं तो आप सिर्फ शिक्षा प्राप्त कीजिए। कोई भी आदमी आपके पास में जाता है, ये क्या देता है नहीं देता है वो आपका, जो भी टीचर आते हैं वो आपको क्या पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप ग्रहण कीजिए, नहीं सब्जेक्ट है तो आप मत कीजिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जाएंगे तो किसी के साथ में ऐसा व्यवहार करेंगे जिसके पास साथ में मारपीट करेंगे। ये बच्चों लोगों का काम नहीं है, ये उत्पातों का काम है। ये सिर्फ उत्पात का घर हो गया है, ये यूनिवर्सिटी नहीं रहा, उत्पातों का घर हो गया। यूनिवर्सिटी के अंदर में जो भी ये हुआ ये बहुत ही गलत हुआ। एक्चुअल में अंदर में वो विद्या का मंदिर है, वहाँ पर जाकर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके का माहौल वहाँ पर बनाया गया उस तरीके का माहौल वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। या तो कोई यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी घटना हो उसकी निंदा करता हूँ और राज्यपाल ने अपना कर्तव्य उचित ढंग से निभाया है और बाबू सुप्रीम को सेफ निकाल के कि कोई भी मंत्री को जहाँ पे पढ़ाई का जो संस्थान है, जहाँ पे कॉलेज है या स्कूल है, वहाँ पे उन लोग को एंट्री नहीं करना चाहिए। मतलब बात ऐसा है कि अगर वो लोग अपना पॉलिटिकल जो भी सिनेरियो है अपना पार्टी पॉलिटिक्स में रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब वहाँ पे छात्रों को जाके परेशान किया, पेपर में ये भी आया कि महिला पर भी वो लोग हाथवाद चलाया, ये सब तो नहीं करना चाहिए मंत्री लोग को। वो अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करता है ये सब करके। व्हाट आई फील इज पीपल विद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दे शुड इंटरवीन इन दीज स्टूडेंट मैटर्स। वो लोग दूर है तो अच्छा है, स्टूडेंट्स को अलग रखें, पॉलिटिक्स अलग, तो बैलेंस बना रहता है। दोष चाहे जिसका भी हो, गलती चाहे जिसकी भी हो, लेकिन खामियाजा कोलकाता और एक ऐसे शिक्षण संस्थान को भुगतना पड़ा जो कभी किसी ने उम्मीद नहीं की। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ मैं सविता सनमार्ग कोलकाता।